नमस्कार दोस्तों, मैं इसमें अंसारी, आप देख रहे हैं हमारे यूपी लाइव पटेल। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ खासकर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दावा करें, लेकिन कर्मचारी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी तहसील का है। बहादुरपुर गांव से जाति प्रमाण पत्र बनवाने आई महिला परवीन जेबी पुत्र अकील अहमद ने हल्का लेखपाल अशोक तिवारी पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब रुपए देने से मना किया तो तहसील सभागार में बैठे तहसीलदार पल्लवी सिंह के सामने का मारपीट करने लगे। मामले की पूरी जानकारी के लिए लेखपाल अशोक तिवारी से जब सवाल पूछा गया तो कैमरे के सामने आने से बचकर निकल लिए। अब सवाल उठता है कि एक तरफ सरकार के महिलाओं सुरक्षा जहां हर संभव प्रयास करे, वहीं एक महिला अधिकारी के सामने ही भरे सभागार में एक महिला की पिटाई उसके मतहत कर रही है। क्या इस प्रकरण में उस वक्त महिला अधिकारी मृत्यु स्वीकृति मानी जाए या उस वक्त महिला अधिकारी बेबस थी। एसडीएम अमेठी में भी उस वक्त लेखपाल को बचाने के लिए लीपापोती कर रहे, मामले के दबाने में लगे रहे हैं। वहीं इस प्रकार के लिए लेकर अमेठी एसडीएम रामशंकर ने कहा कि महिला के प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा विस्तृत रूप से कार्रवाई की जाएगी। बाइट एसडीएम अमेठी, बाइट पीड़ित महिला। अमेठी से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। क्या मामला था जो अभी मारपीट हुई है? हम जांच प्रमाण पत्र बनवाने आए थे और ये हमको जनवरी से फटका रहे थे। बार बार इनसे मिले थे, 5,000 रुपए मांग रहे थे, कहते थे 40,000 कमाओगी नहीं तो 5,000 दे नहीं सकती। फिर हमने जिलाधिकारी के यहाँ अप्लीकेशन दिया, उन्होंने इनको ऑर्डर किया और जो जिला वो तहसीलदार महोदया सामने बैठी थी, हमने उनको बताया सारा मामला, तो कह रही है झूठ है, कौन सा प्रमाण है, तो इनकी एक फोटो हमने ऐसे ही वो कर ली थी। जब दिखाया तो सारे लेखपाल हम लोग को हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारे भाई को पकड़ पकड़ मारने लगे, हमको भी घसीट के मारे हैं। यहाँ पे क्या सवाल कुछ नहीं, मैंने अपने अधिकार से बात किया, उनके पास एक महिला आई है, जात प्रमाण पत्र के बारे में बात कर रही थी। उस समय फिलहाल मीटिंग हॉल में लेखपालों की मीटिंग है। मीटिंग के समय बड़े फिलहाल ने उसे कहा कि मीटिंग के बाद आई, फिर उसने बताया कि मैं दिल्ली से उत्तर आ रही हूँ, क्योंकि अच्छा आप वहाँ से तक गई थी तो मुझे पहले ही बता दीजिए। उन्होंने शिकायत की कि हमारा जात प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है। फिलहाल साहब ने कहा कि हम उसके द्वारा जांच कराएंगे, उसमें जो कार्रवाई होगा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो महिला और इसके बाद कहा कि आप जाइए जांच कर कार्रवाई करेंगे। इसके बाद वो महिला मीटिंग हॉल के बाहर नहीं निकल रही थी और तब तक उनके साथ में कोई पुलिस सदस्य थे जो वो भी अंदर मीटिंग हॉल में फंस गए। मना करने के बाद भी वहाँ पर सब बचाते ने कहा कि आप बाहर निकलिए। उसी में लेखपालों ने भी, चूँकि लेखपालों की मीटिंग चल रही थी, लेखपालों ने भी उनको बाहर निकाल दिया। उसमें हो सकता है बाहर निकालने में कम हो गई और कोई विशेष बात नहीं है। और इन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें पत्र की जाँच कराकर रजिस्टर भी निमित्ता उनके साथ ही है।